प्रातः क्लास चल रहा था 9 जनवरी 1969 गुरुवार को छठे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। जब लड़ाई होती है तो बारूद छोड़ते हैं, विनाश होता है, महंगाई बढ़ जाती है और कितनी चीजें बाहर से मंगाई जाती हैं। सत्युग में हम थोड़े ही मंगाते होंगे, बाकी चीज तो बहुत बढ़िया, सबसे अच्छी सत्व प्रधान मनुष्य, सत्व प्रधान चीजें बहुत अच्छे होंगे। मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी है, मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी बुरी है, सब नुकसानकारक है। क्योंकि जिससे ये सब चीज बनी है, जिसको साइंस कहा जाता है, साइंस की मुख्य चीज क्या है? साइंस की मुख्य चीज जिससे ये विनाश होने का है, समझे ना, वो मुख्य चीज होगी ना, तो वो मुख्य चीज फिर क्या बोलते हैं? ये एटॉमिक बॉम्ब्स, वो कैसे देखो बैठ करके बनाते होंगे। तो ये भी जो एक्टर बनाते होंगे उनमें पहले से ही तो ये ज्ञान होगा ना, ड्रामा के प्लान अनुसार उस आत्मा में पहले से ही ज्ञान होगा। जो कल्प कल्प आकर के वो ज्ञान निकालते हैं, तो जब समय आ जाता है तब वो ज्ञान भी सामने आ जाता है। वहां मनुष्य जो आगे भी थे तभी उनके पास ये साइंस थिंकिंग थी, जरूर जो नए नए जो आते हैं यहां तो उनमें से जिसमें साइंस होगी तो आकर के फिर वो ही सीख करके और साइंस ये सभी दूसरे को भी सिखाएंगे। जो पार्ट अपना ले आते हैं, छोटा जब है तब उनका पार्ट कुछ ही मर्ज नहीं होता है, बड़े होते हैं तो वो पार्ट जो कल्प कल्प बजाते आते हैं तो वो फिर बजाते हैं। तो ये सूक्ष्म बात है ना बच्ची, बहुत नई नई बातें समझने की, विशाल बुद्धि की बहुत, क्योंकि ये तो तुम्हारी पढ़ाई, तुम इससे नॉलेजफुल बनते हो, बस इससे जास्ती ना ले रहा कोई होती ही नहीं है। तो जिस नाली से तुम नई दुनिया के मालिक बन जाते हो, देवता बन जाते हो, बस इससे ऊंची काले दुनिया में कोई होती नहीं। अब ऐसा को कोई नॉलेज नहीं कहेंगे, ये तो इस दुनिया में जो है नॉलेज है वो विनाश के लिए, ये माया की नॉलेज है जिससे विनाश होता है। तो अब ये तुम जानते हो, मनुष्य तो वंडर खाते हैं, मैं गया फलाना गया टीरा गया, तुम लोग को कोई भी वंडर खाने की बात नहीं है, क्योंकि ये सभी अभी माया का शो है, बस पंप
बहुत ये जो शो करते हैं ना, तो विनाश भी इनसे ही होता है, क्योंकि अति में जाते हैं, अति अति डीपनेस में जाते हैं, बुद्धि को बहुत लड़ाते हैं कि हम कमाल करके दिखला भी। तो बहुत कमाल करके दिखना जैसे, तो फिर और ही नुकसान हो जाता है। तो देखो इनकी बहुत वो विनाश विनाश साइंस का विचार कर करके क्या ऐसी बनावे चीज, ऐसी बनावे वैसी बना। देखो इनकी बुद्धि ब्रेन ही ऐसा है, तो जो जो है वो तो बना बनाया है ना। ऐसे नहीं कहना कि बाबा बनाते हैं, नहीं, इनकी ब्रेन्स में इस समय में ये सब विनाश की शिक्षा आ जाती है, उनके लिए सभी बन रहे जो बंदे हैं उससे वो बनाने वाले समझते हैं कि इनसे विनाश होगा। नहीं होगा इनसे विनाश, क्योंकि ट्रायल करते रहते हैं भाई। आगे जो बम्स हम हिरोशिमा नागासाकी में विनाश किया, अभी हम ऐसा बनाते हैं जो बस यहां बैठे बैठे किसको भी खलास कर देते हैं। तो कंपटीशन लगती है ना, तो बरोबर बच्चे जानते हैं कि बरोबर इस समय में बस सबसे जास्ती में जास्ती ये दो बिल्ले हैं, और आखानियां भी बनी हुई हैं पाई पैसे की हैं बहुत, फिर आखानी पाई पैसे भाई। दो बिल्ले लड़े, मक्खन बंदर खा गया, या दो बंदर लड़े मक्खन बिल्ला खा गया। तो तुमको ये समाचार सुनाया होगा ना लेटर से मैं, कि बरोबर एक रशियन आए थे, वो आकर देखा कि ये क्या दिखलाया, दो बिल्ले लड़ते ये मक्खन कृष्ण खा जाता है। तो ये दो बिल्ले तो बराबर है रशिया और अमेरिका, नाम इनका ही बाला है बिल्कुल ही, और किसके पास भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंच वो भी तो पेरिस भी तो कोई कम नहीं है, उनके पास भी नहीं है। बेचारा कोशिश करता था, बंद कर दिया, और खर्चा बहुत होता था, और जितना इनके पास है इतना हम अभी बनाने शुरू करेंगे तो कहां भी नहीं कुछ, तो कुछ पहुंच ही नहीं सकेगा। 9 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 7वां भी, तो ये छोड़ देते हैं, आखिरी में छोड़ ही देंगे, और फिर उन्हों के ये न द्वारा विनाशी होगा, दोनों द्वारा विनाश होगा, समझे ना। सबसे जास्ती उनके पास है, और सब कोई जानते हैं कि इनके पास ढेर हैं, और बरोबर विनाश होने का ही है, क्योंकि जब पैराडाइज था
तब ये क्रिश्चियन बोलता, हम तो नहीं थे, ना हमारे आगे जो दूसरा था बौद्धि था इब्राहिम वो भी नहीं थे। पहले पहले तो यही पैराडाइज था, जिसको डीटी डेनेस्टी कहा जाता है, देवी देवता है। अभी है तो उनकी समझ अच्छी, और देवी देवताएं वाले जो हैं असुल है वो बोलते हैं भाई देवी देवताओं तो लाखों वर्ष पहले थे। तो बच्चे बुद्धू ठहरे ना, सबसे तमो प्रधान, फिर देखो ये बुद्धू ठहरे। सो भी ये ड्रामा का पार्ट है अपना अपना, जो तुम बच्चे समझते हो। देखो कोई तो बिल्कुल नहीं समझते, तुम समझती हो। देखो अभी तुम जो समझती हो ये नहीं समझते, ये जो समझते हैं जो तुम नहीं समझते हो। फिर यहां वो अच्छा समझो, और दूसरा अभी है ना कोई दूसरा महारथी, वो तो जो समझते हैं वो कोई दूसरा नहीं समझते, क्योंकि इसमें पढ़ाई है अपनी अपनी। जो समझाते हैं जास्ती वो समझते हैं जास्ती, जो कम समझाते हैं वो कम समझते हैं, और फिर समझाने में भी तो माया का देखो। आज समझाते हैं कल बाबा को छोड़ दिया, भागंती हो गए। समझ सारी चट। देखो ये भी तो तुम देख रहे हो समझ रहे हो, तो बरोबर जो भागंती हो गया जाकर के शादी वगैरह की देर करते हैं। हाँ चट्ट हो जाते हैं। अभी ज्ञान कुछ न कुछ रहता है, परंतु जो चले गए वहां तो आस्ते 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 वो ज्ञान भी खत्म हो जाता है, क्योंकि ज्ञान सुनाने वाला चाहिए, पढ़ना चाहिए ना, ना पढ़ेगा तो बड़ी क्या वृद्धि होगी। तो बाप बैठ करके सारा राज समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारा राज समझना चाहिए अच्छी तरह से, और फिर वो धारणा सारी पक्की कैसे हो जावे। हाँ कोई भी चीज को पक्का करते हैं ना कूट कूट करके, तो याद करने के लिए बाप बिल्कुल अच्छी तरह से रास्ता बताते हैं, मुझे तुम याद करते रहो, याद करते रहेंगे तो तुम सोने का बर्तन बनते रहेंगे, तो उनमें ये धारणा बनी रहेगी होती रहेगी। तो बस सारा मदार रहता है कि सोने का बर्तन, सोने का बर्तन बनते ही हैं बाप को याद करने से। बाप को याद करने के लिए तुमको ये सभी मुरली मिलती रहती है, मन मना भव मध्यादि भव, बाप को याद करो रोज रोज। ये कहते हैं याद की यात्रा से तुम्हारा सब पाप कट जाएगा, अगर ना याद किया था स्कूल में नहीं पढ़ा
ये वाक्य महावाक्य न सुने कान से तो ज्ञान रफूचक्र हो जाता है, अवस्था सारी चट्ट हो जाती। तो बाप तो समझाते हैं ना मीठे बच्चों को, जो भी महारथी भी जिसको समझते हैं ना, अभी उनका नाम तो नहीं लेंगे बाबा, बच्चे समझते हैं महारथी यहां सेंटर्स में कौन कौन है, किसका नाम बाला है, बोलता वो भी महारथियों को भी अगर कोई अहंकार आ गया, अवज्ञा कर दी सिखलाने वालों की, तो बीज गुम हो जाएगा, ज्ञान ज्ञान गुम हो जाएगा, तो फिर खराब ख्याल आएंगे सारे। अब वो खराब ख्याल तो फिर खराब बनाई देते। तो मुझने की दरकार नहीं है, परंतु बहुत ही चले गए एकदम अच्छे अच्छे ज्ञान धारण करके। फिर देखो वो तुमको बताया था ना कि वो बच्चा है कहाँ अहमदाबाद में या कहाँ, कि वो जो ये बायोस्कोप देखा, ये नारायण कुमार के बच्ची का बच्चा का वो जो शादी हुआ था ना, तो आजकल फिल्म निकालते हैं, तो फिल्म में तो फिर सभी दिख लाते हैं, बड़ा श्रृंगार वगैरह ये वो। तो बायोस्कोप तो क्या देखा, शादी कैसे करते हैं, फिर उनका कैसा कैसा हुआ, बस तो उनकी भी दिल हो गई कि हम भी शादी करें, तो ये मरा आ गया ना बुद्धि में, मरा बस दिल में आ गया, शादी करो शादी करो शादी करो, जरूर करते होंगे क्योंकि माया ने पकड़ा। इसको कहा जाता है गज ने गज को ग्रह ने पकड़ा, अब पकड़ा है सो तो खाई जाएगा, दिल हुई ना शादी करने की। अब ज्ञान तो इतना भरा नहीं है, अभी चलता है थोड़ा, तो बाबा बोलता है देखो बायोस्कोप देखा, उनसे उनकी बुद्धि खत्म हो गई, मैं शादी करूं। ऐसे ऐसे कितने शादी करते हैं अच्छे अच्छे, 10 बरस सीख सीख करके, फिर शादी माना ही विकार में जाना। देखो कोई ना कोई के साथ विकार में चले जाते हैं, चढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो छोड़ता तो नहीं है ना। तो बाप बाप तो रहम दुल होते हैं ना। अच्छा फिर भी वो उसको युक्ति बताएंगे चढ़ने की कि भाई चढ़ो तो चढ़ेगा, फिर गिर पड़ेगा अगर तो निकलेगा। बच्चे बहुत ही चढ़ते चढ़ते क्षमा भर के चिट्ठी में लिख करके फिर कभी नहीं होगा, ऐसे लिखते फिर देखो कभी भी हो जाता है। फिर 9/1/69 की प्रातः क्लास का 8वां पेज चौथा लाइन। तो देखो दंड पड़ गया जोर से,
तो फिर वो चढ़ते फिर गिरते, चढ़ते फिर गिरते। देखो यहां होता रहता है, बच्चे चढ़ते जाते हैं फिर गिर पड़ते। फिर 2 बरस 3 बरस हुआ, बोलते बाबा मेरा काला मुंह हो गया। अच्छा फिर क्या करेंगे, फिर से पुरुषार्थ करो। तो वो पुरुषार्थ से फिर गिरते गिरते हीन हो जाते, तो फिर रह जाते हैं वो, फिर जाकर के सबसे कम पद पाएंगे। अभी समझा ना, आते तो हैं जरूर। तो ये सारा राज बाप समझाते रहते हैं, समझाते रहेंगे। अब यहां बहुत समय पड़ा हुआ और देखते रहेंगे, अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सुनते हुए ये फिर गिर पड़ेंगे और गिरते भी रहते हैं। मालूम पड़ता है कि ये गिर जाएगा, ऐसी अवस्था है इनकी, ये जो गिर पड़ेगा। बहुत समाचार तो बाबा के पास आते हैं ना, बाबा वो आते आते अभी आता ही नहीं है। बहुत आदमी बेच देते हैं क्लास, फुर्सत नहीं हमको, बस फुर्सत नहीं। ये कहा और नहीं पढ़ा तो जरूर कोई के संग में खराब हुआ। और फिर ढेर के ढेर आते हैं, नाम नहीं डालते हैं, क्यों? फिर इनमें माया आती है तो गुस्सा चढ़ जाता है, बोलता है हमारा नाम बदनाम, अभी हम कहां जाएंगे। तो ये स्थापना ऐसे ही होती है, जैसे कल्प कल्प होती रहे, जरा भी फर्क नहीं होगा। बाप सब कुछ बताते रहते। अच्छा गुरुवार है क्या? अच्छा चलो, कभी अगर न पूरा उनको पहचाना तो बाकी क्या क्या तभी सीखेंगे। समझ तो सकते हो, समझ किसको कहा जाता है और बेसमझ किसको कहा जाता है। ठिक्कर है भित्तर है, बुद्धि में है बस, उसको उड़ाने से भारत खलास, और उनको याद करने से, जब आ करके याद दिलाता है तो वो आते हैं। भारत पर तो फिर जय जयकार हो जाती है। ऐसे लास्ट वाले फिर ऐसे फर्स्ट वाले बन जाते हैं। देखो इस बैज में तो बड़ा माल है, अभी बहुत इतनी छोटी सी चीज में सारा माल है, किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है जो औरों को समझा सके। अब ये पाई पैसे का खेल भी बोलता है हम बांधे हो समझाने के लिए। कोई भी पूछे ये क्या है, बोले विश्व में सुख और शांति कैसे होती है, ये समझने की चीज है। इसे समझाया जाता है विश्व में शांति की स्थापना, अशांति का विनाश कैसे होता है, ये सारा इस बैज में है। ये गीता है, सारी गीता का सार इसमें है।
सभी सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, सर्वसे बुल रूहानी, सर्वसे बुल बच्चों के प्रति रूहानी, बाप दादा का दिल वजान से कर प्रेम से, आज गुरुवार के दिन नंबर वार पुरुषार्थों सार याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति रूहानी, बाप दादा का दिल वजान से कर प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे शिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।